klasik. मैं विलोम शब्द जितनी पाठ जितना पाठ अभी तक हमने आपको पढ़ाया उसमें से हर पाठ के अंत में कुछ सामान्य व्याकरण दिया गया है, उनमें उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण इस तरह बहुत सारे आपको मिलेंगे कारक। तो हम लोग शुरुआत करेंगे विलोम शब्द से, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पर्यायवाची या उपसर्ग या प्रत्यय जो भी है हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, यानी जो भी है आपका शब्द उसका विपरीत शब्द आपको बताना है। नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, हम लोग अक्सर ये पॉजिटिव नेगेटिव दो होना निश्चित ही है, आपका वायर में भी वही चीज है, तार में इलेक्ट्रिक जो है आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप लोग देख रहे हो अभी जो बीमारी फैला हुआ उसमें भी ये देखा जा रहा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी उसका उल्टा। तो उसी तरह सबसे पहले हम जानेंगे महान, जो आपकी किताब में पाठ पुस्तक वगैरह दिया गया है महान, तो महान का उल्टा हो जाएगा तुच्छ। ये भी महान मतलब बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बड़ा है, अचीवमेंट किया हुआ है, जिसका कोई मैंने दोष ना हो उसको हम महान। तुच्छ एवं घृण वाला नीचे बंधन, इससे बोलते बंधन ना गुलामी, उसको बोलते मुक्त यानी आजादी। विषाद का मतलब होता है हम लोग विषाद में कब रहते हैं, जब हमारे घर में कुछ अप्रिय घटना घटता है तब हम लोग दुखी होते हैं, उसी दुखी को हम लोग बोलते हैं विषाद। फिर बोलते हैं हर्ष यानी खुशी। गुमनामी यानी गुमनाम है, इसका कोई अता पता नहीं, उसी का उल्टा हम बताएंगे तो क्या होगा चर्चित। फिर है कौन सी शुरुआत, तो शुरुआत का क्या बताएंगे हम लोग, शुरुआत का हो जाएगा आपका, शुरुआत का हो जाएगा अंत, शुरुआत का क्या होगा अंत, वरदान का क्या तो अभिशाप, सुंदर का कुरूप, क्षणिक यानी एकदम थोड़ी 1 सेकंड 2 सेकंड, और शाश्वत यानी सामने प्रकट, मधुर मीठा उसका उल्टा या कड़वा, सुप्त माने सोया हुआ तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा जागृत यानी जाग गया। नहीं बोलते हैं जब जागा तभी सवेरा, इसलिए आप लोग भी अभी से जग जाएं ताकि आप लोगों को कभी कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद।